दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अफरोज मासूम और आप देख रहे हैं सच्ची बात मीडिया। सच्ची बात में बिहार की सच्चाई आपके सामने लेकर आया हूं। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मजबूरी में फंसे हुए हैं यहां के लोग। ये समझ नहीं रहे हैं आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उन्हें सर पर अनाज उठा के ले जाना पड़ता है। ये जो तस्वीर आपके मोबाइल स्क्रीन पर चल रही है, ये एक गांव के बीचों बीच बनी सड़क की तस्वीर है। सीमांचल का इलाका जहां पे मुख्यतः दो फसलें होती है, मक्का और धान। लेकिन के किसान मक्का को किसी तरह से खेत से ला करके अपने घर में समेट करके तैयार रखे हैं, लेकिन वे निकाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक किलो दो किलोमीटर की दूरी तय करके सर पर उठा करके मक्का को बाहर लाना पड़ता है। अब आप देख सकते हैं कि अगर किसी ने यह जहमत भी किया कि हम ट्रैक्टर से ट्रॉली से उस मक्का को बाहर निकाल लेंगे, उनके साथ क्या हुआ। फिर बीच में जो है उसे मक्का को बाहर निकालना पड़ रहा है सर पे उठा करके। यह तस्वीर बिहार के उन नेताओं के मुंह पे तमेचा है जो कुर्ता पाजामा और घड़ी लगाए सिर्फ अपने आकाओं को बधाई देना चाहते हैं। उन नेताओं के लिए यह तस्वीर जो है मुद्दा नहीं है। वे जो है सिर्फ अपने आकाओं के ट्वीट का इंतज़ार करते हैं कि कब किसका ट्वीट आएगा जिसे हम रीट्वीट करेंगे और स्क्रीन शॉट लेकर के मोबाइल में रखेंगे। अब आपको हम गांव की पूरी तस्वीर दिखाएंगे। जो गांव के बीचों बीच से सड़क गुजरती है उसका क्या हाल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आपने वादा किया था 2015 में कि हम जो है गांव के गली गली में सड़क बनवा देंगे। जहां पे इस वक्त मैं हूं, यहां से लेकर के आप गांव के अंदर तक जहां तक भी चले जाएंगे, चप्पल या जूता पहन करके 4 से 5 महीने साल में नहीं जा सकते हैं। जो यहाँ से इधर के लोग हैं उनको मोटरसाइकिल साइकिल चप्पल जूते बाहर रख के जाना पड़ता है या सर या माथा पे उठा के ले जाना पड़ता है। यहाँ से 2 किलोमीटर अंदर तक जो गांव है, जो गांव बसी हुई है, इस गांव के लोगों की दुख यही है कि वे अपने अनाज को जो है बेच नहीं सकते। बेचेंगे भी कैसे, क्योंकि जो खरीदार हैं वे प्रति क्विंटल 100 रुपये कम खरीद रहे हैं, क्योंकि खरीदार को भी निकालने में मशक्कत का सामना करना पड़ता है। चलिए अब आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से जो है ये ट्रैक्टर बीचों बीच सड़क के बीचों बीच फंस चुका है। अब आप देख सकते हैं कि लोग निकालने की कोशिश कर रहे थे लेकिन निकाल नहीं पाए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिर ट्रॉली में जो भी अनाज था उसे खाली कराया जा रहा है मजदूरों द्वारा। अब जो खरीदार हैं वे भी डर रहे हैं कि इस गांव में अनाज खरीदे तो खरीदे कैसे। अब ये लोग फिर यहां से आधा किलोमीटर दूरी तक तय करेंगे, माथे पर उठा के पार करेंगे अनाज को अपने बेचने के लिए। अपने अनाज को बेचने के लिए इसी तरह से सर पे उठा उठा के ले जाना पड़ेगा। अब जो भयावह तस्वीर है वो आप हमारे साथ चलिए, आपको हम दिखाएंगे। जो विपक्ष के नेता लोग हैं, अरे भैया आपको मुद्दा नहीं मिल रहा, आप सिर्फ बैठ के ट्वीट ट्वीट का खेल खेलना चाहते हैं। जिला मुख्यालय में बैठे आपको अगर लगता है कि हम नेता बन जाएंगे, कोई नेता को जन्मदिन की बधाई दे दे करके हम और कुर्ता पाजामा पहने गमछा लपेटे घड़ी लगा के हम नेता बन जाएंगे, तो ये आप गलत फहमी में। बहुत सारे जिला सचिव हैं, जिला अध्यक्ष हैं, अलग अलग पार्टी के लोग हैं। आप लोग आइए कभी गाँवों की, आप जो है सैर कीजिए, आपको पता चलेगा। जी हाँ, इस वक्त मैं हूँ बनगामा नाम की एक गांव है जो सिकटी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सिकटी विधानसभा के विधायक है विजय मंडल जी। विजय मंडल जी आइए, आपको पता लग जाएगा कि 5 साल पहले जो आपने वादा करके गया था उस वादा का क्या हुआ और वो वादा कितना खोखला निकला। आपकी सरकार है, आपके सहयोग से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, आप चाहेंगे तो अपना विकास कर सकते हैं अपने अपने क्षेत्र में, लेकिन आप पता नहीं असंवेदनशील क्यों हैं। ऐसे सड़कों पे चलना हम जैसे जनता के लिए आम बात है, हम चलते रहेंगे, अब पता नहीं कब तक चलना पड़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? रमेश मंडल। रमेश मंडल जी, और आपके यहाँ के विधायक हैं विजय मंडल जी। अच्छा, तो आपके गांव में इस तरह का हालत है, क्या बोलिएगा उसको? रोड घाट खराब है, वो अभी विकास नहीं कर रहा है, रास्ता में ट्रैक्टर नहीं जा रहा है, सर पे मकई उठाकर लोडिंग करना पड़ता है ट्रैक्टर में। अच्छा, सर पे मकई उठा के लोडिंग करना पड़ता है ट्रैक्टर में। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से, देखिए यहाँ पे ये लोग जो है अपना अनाज वहाँ तक पहुँचाएंगे 1 से 2 किलोमीटर सर पे लेकर के मेन रास्ते तक ले जाते हैं और वहाँ पे उसको जो है लोड किया जाता है। तो बताइए आप,
ये सर पे क्या है आपकी? धान। धान है। कहाँ ले जा रहे हैं? मिल लेके जा रहे हैं। मिल लेके जा रहे हैं। धान है ये, इसका चावल बनवाएंगे। बाहर कहीं मिल है गांव में दूसरी जगह, और इस ऐसे सर पे उठा के ले जाना पड़ता है। चाहे मक्का हो, गेहूं हो, धान हो, जो उसको बेचने के लिए ले जाए या कहीं मिल ले जाए, सर पे इसी तरह ले जाना पड़ता है। और एक ग्रामीण कार्य विभाग यानी कि RWD के जो मंत्री शैलेश कुमार जी हैं, आइए कभी ग्रामीणों का हालचाल पूछ लीजिए, देख लीजिए कि ग्रामीण किस हाल में रह रहे हैं, जो रास्ता वगैरह जो है किस हाल में है। इधर देखिए, ये पूरा का पूरा जो गांव ही है यही है, दोनों तरफ घर है, बीचों बीच सड़क है, और यही स्थिति है। कैसे चल पा रहे हैं, कैसे जो है संपर्क स्थापित कर रहे हैं लोगों से, कैसे बाहर जा रहे हैं, कैसे और दुनिया के लोगों से जुड़े हुए हैं, चलिए आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब 2005 में वादा कर रहे थे कि 15 साल पति पत्नी की सरकार रही, कुछ बना नहीं, तो अरे भैया अब आपका तो 15 साल हो गया मुख्यमंत्री जी, अब आपका 15 साल हो गया, आपने क्या बनाया, आपने क्या बनवाया, इसकी हकीकत जो है दिख रही है, जिसका उदाहरण जो है आपको दिख रहा है कि गांव के लोगों को अभी भी बिहार में गांव के लोग कैसे रह रहे हैं। आप बात कर रहे हैं कि हमने बिहार में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब कुछ सुधार दिया, अब आपने क्या सुधारा, ये यहाँ पे दिख रहा है। आप हमारे साथ चलिए, आपको हम दिखाएंगे कि गांव के लोग किस तरह से रह रहे हैं। ये देखिए, आपके मोबाइल स्क्रीन में हमारे पीछे एक घर दिख रहा होगा, जो ये भाई साहब का घर है। अब आप बताइए कि उसके घर के आगे में क्या स्थिति है, आप देख सकते हैं। हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं उसके गांव की स्थिति क्या है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हारून रशीद है। हारून रशीद जी, आप बताइए कि आप क्या करते हैं? मैं अरबिक टीचर हूँ, मतलब कतर में, अरब कंट्री में। तो अरबिक के टीचर हैं कतर में। अब आप बताइए कि जब घर आते हैं तो क्या कहेंगे बिहार सरकार को, यहाँ के MLO को, ये जो स्थिति है? मैं इनसे कहना चाहूँगा कि ये भी आकर देखें कि यहाँ का हाल क्या है, मतलब है ना, ये लोग ना, इनके जो भी होना रहता है काम वो होता नहीं है। ये लोग कभी इधर की ज़ियारत भी नहीं करते हैं, और जो यहाँ के लोग हैं, मतलब जो ये सब जिनको करना चाहिए वो भी कर नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से जो है लोग जूझ रहे हैं। यहाँ आने जाने का रास्ता नहीं है, बहुत तकलीफ़ है। गांव वालों की जो है गाड़ियाँ वहीं पे खड़ी रहती है, हम लोग आ नहीं सकते, ना यहाँ से चल सकते हैं और ना इधर से जा सकते हैं। सब लोग जो है खेत होकर चल चल के जाते हैं। पैदल भी लोग नहीं चल पा रहे हैं इस सड़क से, इसलिए जो है लोग खेतों से चल रहे हैं। कैसा लग रहा है गाँव में रहने में, क्या फीलिंग करते हैं जब ऐसे में आते हैं यहाँ पे? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अब मन भी करता है कभी कभी कि गांव छोड़कर चले जाएं, क्योंकि बहुत तकलीफ़ होती है। मतलब कोई एक आदमी जो है गाड़ी लेके नहीं आ सकता, चल के नहीं आ सकता, गाड़ी की तो बात छोड़िए, चलकर भी नहीं आ सकता, जिसकी वजह से मतलब दिल में बहुत तकलीफ़ होती है कि घर भी देखिए अच्छा है लेकिन सामने रास्ता नहीं है, मतलब जिसकी वजह से बहुत तकलीफ़ होती है। अब कभी कभी आपके दोस्त भी आते होंगे, तो फिर दोस्त की बात छोड़िए, मतलब यहाँ पे शादियाँ भी मतलब होने वाली रहती है तो कैंसिल हो जाता है, इसीलिए कि मतलब रास्ते की वजह से बोलते हैं कि रास्ता ख़राब है, क्या यहाँ शादी करेंगे, या इस तरह से जो है शादियाँ भी कैंसिल हो जाती हैं, बहुत सारे जो है प्रॉब्लम है। 4 से 5 महीना, साल के 4 से 5 महीने में तक जो है आप इस सड़क से इस गांव में चप्पल या जूता पहन के नहीं घुस सकते हैं। इसी गांव के निवासी हैं? जी हाँ, इसी गांव का निवासी है। तो आप बताइए कैसे जाना आना होता है आपका? जाने आने में तो तकलीफ बहुत होता है। अच्छा, लेकिन सबसे समस्या ये है, जो जिस आज 6-7 महीने से इस गांव में ऐसा स्थिति है, जो न साइकिल आता है न गाड़ी आता है, यहाँ पैदल तो आना भी मुश्किल होता है। मतलब बाहरी साइड से मतलब खेतों के, मतलब फसल का खेत है, खेतों के मतलब निकलते हैं रास्ता। जो नीतीश कुमार जी है जो राज्य के, तो इसको यही अंदाज़ा करना चाहिए कि वो किस हाल में है। अगर हमारे घर के आगे होता तो हम किस हाल में इसको हम समस्या हल करते। यहाँ से जाने में आने में इतना परेशानी है, ये हम लोगों का जो अक्सर गाड़ी घोड़ा जो भी है उधर से आता है उनको चौक में रखना पड़ता है, और पैदल भी आना दुश्वार हो गया। हम लोग बाहर होके आल होके किसी तरह बाध होके घर आते हैं, और सड़क होके नहीं चल पाते,
यहाँ का यह स्थिति है इस सड़क का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, यही हकीकत है कि आपके राज्य में जो है लोग सड़क से चलना बंद कर दिए हैं, खेतों से चलना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, कि खेतों से चलने में जितनी आसानी होती है उतना सड़क से लोग आसानी से नहीं चल पा रहे हैं।